तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब
1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर ये पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे।
और उनके अलावा दोस्तों महाबते फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं महाबते मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नए कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो
उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है। लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बते मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए।
आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी।
फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियंस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियंस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था।
श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों
शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समीता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और
78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी
करणिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिज़ाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नए कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब
1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे।
और उनके अलावा दोस्तों महाबते फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर ये पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं महाबते मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी।
जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नए कलाकार को जगह दी जाए।
आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था।
फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनने
पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नए कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बते मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और
78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर कर रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी
कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नए कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब
1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर ये पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी, यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में
सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है। लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए।
आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बते मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था।
फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनने
पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78%
परसेंटेज गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समीता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर ये पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बतें मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी
करनिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समीता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी यह वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, मोहब्बतें फिल्म शर्मा ने संजय और समिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब
1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बते मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों, यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDB रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों, बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में समिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे।
और उनके अलावा दोस्तों महाबते फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है। लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं महाबते मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इसके मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्णिक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नए कलाकार को जगह दी जाए। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक
नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है। लेकिन क्रमश यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज एक और मूवी लेकर हम आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत मूवी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस SK मूवीज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली न्यू और लेटेस्ट मूवी आप लोग देख पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं इस मूवी को, लेट्स स्टार्ट। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी साल 2000 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के द्वारा करवाया गया था। मूवी में म्यूजिक जतिन ललित के द्वारा दिया गया था और इस मूवी की एडिटिंग वी कर्निक ने की थी। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, अमरेश पुरी, अनुपम खेर, सौरभ शुक्ला, जिम्मी शेरगिल आदि कलाकार अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आए थे। और दोस्तों यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट रही थी और 2000 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह मूवी रही थी। बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूएस ने भी इस मूवी को लाइक किया था। तो दोस्तों बात करें कि आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस मूवी को प्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, आपको इस मूवी को देखना है तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो और उनके अलावा आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की प्राइस देकर इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हो। बात करें इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे साल 2000 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें पसंद ना हो। फिल्म को रिलीज़ हुए इतने साल हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। फिल्म में ऐश्वर्या राय के पिता का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। अमिताभ फिल्म में बंद गले वाले लंबे कुर्ते पहनते नजर आए थे। फिल्म में संमिता शेट्टी और किम शर्मा द्वारा निभाया गया रोल पहले करिश्मा कपूर और काजल को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल के इनकार करने के बाद फिल्म से इस रोल को हटा दिया था। शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। फिल्म में दिखाया गया स्कूल कैंपस गुरुकुल का निर्माण लंदन में किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम अपने बेटे आर्यन के नाम से इंस्पायर था। फिल्म में सभी 6 न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 6 महीने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी थी। फिल्म के रिलीज से पहले ऐश्वर्या राय को गेस्ट एपीरियस में रखा गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद उनको मिली सराहना के बाद उनके रोल को बढ़ा दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एपीरियस के लिए फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए उनके रोल को हटा दिया गया। फिल्म में उदय चोपड़ा चाहते थे कि उनके साथ फिल्म में रिंकी खन्ना हो, लेकिन आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में किसी नई कलाकार को जगह दी जाए।
आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक रोल किया था, जिसे श्रीदेवी के इनकार के बाद माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया था। फिल्म में मेघा का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय फिल्म की रिलीज से पहले ज्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए ट्रेलर में उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। कुछ लोगों को तो यह तक लगा था कि फिल्म में काजल या माधुरी दीक्षित होगी, जो शाहरुख के साथ पहले काम कर चुकी थी। इस फिल्म ने साल 2000 में अमिताभ बच्चन के करियर को एक बार फिर मजबूती दी थी, जो उस समय ठीक नहीं चल रहे थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद यह दूसरी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म थी। फिल्म के सभी नए कलाकारों ने इस फिल्म में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, इस मूवी ये वही मूवी है जिसके जरिए अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक किया था और फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बनकर उभरे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने स्कूल प्रिंसिपल का सख्त किरदार निभाया था। उनके लुक को इंडो वेस्टर्न रखा गया था, जिसमें लंबे बंद गला शामिल थे। और उनके अलावा दोस्तों, महाभारत फिल्म शर्मा ने संजय और संमिता शेट्टी ने इसी का धनराज गिर का रोल निभाया है, लेकिन क्रमशः यह दोनों रोल सबसे पहले काजल और करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, पर किन्हीं कारणों से उन दोनों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान का नाम आर्यन मल्होत्रा है, ये कहते हैं कि वो उनके बेटे से इंस्पायर नाम है। दोस्तों, यह फिल्म ने कमाई की थी करीब 1.3 मिलियन के साथ यह मूवी बनी थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 19 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जहाँ वहाँ पर यह पूरी मूवी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा। हमारे इस एसके मूवीज मीडिया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।